सर वी आर स्टार्टिंग विद द न्यू चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 8 और इसका नाम क्या है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स। कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स, ये भी एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहता है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है व्हाट इज द क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। तो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है पहले मैंने थोड़ा सा समझाया था, आज इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सर क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बट नॉट 100% कॉन्ट्रैक्ट। सर कॉन्ट्रैक्ट जैसा होता है लेकिन 100% कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। जैसे मैंने बोला था कि माइनर के साथ, माइनर वाला जब हम टॉपिक कर रहे थे तो हमने क्या पढ़ा था कि माइनर्स को आप नेसेसिटी सप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आप माइनर के साथ क्या एग्रीमेंट कर सकते हो कि भाई मैं तेरे को एजुकेशन दूंगा, बदले में तू मेरे को क्या देगा, पैसे देगा। तो उसमें उस माइनर को पैसे देने पड़ेंगे, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से उसको पैसे देने पड़ेंगे। तो सर ये कौन से कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हुआ कि माइनर को पैसे देने पड़े? सर ये है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट था? सर क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से माइनर को पैसे देने पड़ेंगे फॉर द नेसेसिटीज सप्लाइड टू हिम बाय द सप्लायर, जो नेसेसिटीज के पैसे देने पड़ेंगे। तो अब यहाँ पर देखो क्या क्या बोला हुआ, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट को एक्सप्लेन करो। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल, ये बिल्कुल भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। इट इज एन ऑब्लिगेशन विच द लॉ क्रिएट्स। ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि किसने क्रिएट करी है, लॉ ने क्रिएट करी है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माइनर टू पे द सप्लायर फॉर द नेसेसिटी सप्लाइड। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट एज रिकॉग्नाइज्ड अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। या फिर कॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स आर बेस्ड ऑन द नेक्सिम नेमो डेबिट कॉल्पेटरी एक्स एलिना जेक्टूरा, वन कैन नॉट बी एनरिच्ड एट द कॉस्ट ऑफ द अदर्स। मतलब एक एक बंदे को बेनिफिट नहीं होगा दूसरे के बिहाफ पर। जैसे कि मान ले माइनर का अगर मैं बात करूं, यहाँ पे माइनर को नेसेसिटीज मिल रही है तो माइनर का फायदा हो रहा है, वो क्या हो रहा है एनरिच्ड। लेकिन अगर हम बोलेंगे तुम उससे पैसे नहीं ले सकते तो सामने वाले का तो क्या हो रहा है नुकसान, मैं अपना नुकसान करूं और सामने वाले का सिर्फ फायदा करता रहूं, ये तो मेरे लिए कोई उसको बंदे को फिर कोई नेसेसिटीज देगा ही नहीं। तो क्या लिखा हुआ है, वन कैन नॉट बी एनरिच्ड, मतलब एक बंदे को बेनिफिट नहीं मिलेगा एट द कॉस्ट ऑफ द अदर, मतलब दूसरा तो लूटे जा रहा है और एक बंदा क्या होता जा रहा है अमीर होता जा रहा है। तो ऐसा नहीं हो सकता सर, पैसे तो देने पड़ेंगे, माइनर को भी देने पड़ेंगे लेकिन सिर्फ किसके लिए, नेसेसिटीज के लिए। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बोलता है आपका सर? ये बोलता है आपका क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। जनरली अ कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ, सो फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट देयर हैज टू बी एन एग्रीमेंट। एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या होना चाहिए सर? एग्रीमेंट होना चाहिए सर। एन एग्रीमेंट नीड्स एन ऑफर। एक एग्रीमेंट कब बनता है सर? जब ऑफर आती है और उसकी क्या होती है, एक्सेप्टेंस होती है, एंड इट्स एक्सेप्टेंस बाय द अदर पार्टी दैट इज द ऑफर। तो मैंने ऑफर दिया, ऑफरर ने ऑफर दिया, ऑफरी ने उसकी एक्सेप्टेंस दी, तो क्या बन जाएगा एग्रीमेंट। बट इट हैपेंस मेनी टाइम्स दैट देयर आर ऑब्लिगेशंस, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है रिजेंबलिंग टू दोस क्रिएटेड बाय अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दो देयर हैज नेवर बीन एन ऑफर और इट्स एक्सेप्टेंस बाय द अदर पार्टी, बट इट हैपेंस मेनी टाइम्स दैट देयर आर ऑब्लिगेशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू दोस क्रिएटेड बाय अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो कि किससे पैदा हुई है सर? उस कॉन्ट्रैक्ट से। दो देयर हैज बीन एनी ऑफर और इट्स एक्सेप्टेंस बाय द अदर पार्टी। सर सामने वाली पार्टी ने ना तो ऑफर करा है ना एक्सेप्टेंस मिली है, लेकिन फिर भी वो क्या है कॉन्ट्रैक्ट, और उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कुछ क्या आई है सर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई है। और देयर हैज बीन नो एग्रीमेंट बिटवीन दोज पार्टीज इधर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। सर कोई एग्रीमेंट ही नहीं। सच ऑब्लिगेशंस आर क्रिएटेड और इम्पोज्ड बाय लॉ ऑन द पार्टीज एंड आर नोन एज क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। अब जैसे मैं मान ली पुलिस स्टेशन में गया अपनी रिपोर्ट लिखवाने के लिए कि सर सर मेरे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया, अब पुलिस वाला मेरे से पैसे थोड़ी ना मांगेगा, पुलिस वाले क्या नहीं मांगेंगे पैसे, नहीं मांग। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है सर? जिसके अंदर एक वैलिड कंसिडरेशन होती है। सर मैं तो कंसिडरेशन नहीं दे रहा, लेकिन फिर वो भी क्या हो जाएगा सर, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, दीज ऑब्लिगेशन जनरली रिलाइज आउट ऑफ अ ड्यूटी अ पर्सन हु ओज टू द अदर। ये ऑब्लिगेशन किस वजह से आती है? ड्यूटी की वजह से। तो दिस इज द ड्यूटी ऑफ द पुलिसमैन टू फाइंड अ एक्यूज्ड, जिस बंदे ने गलत करा है उसको फाइंड करना उसकी क्या है ड्यूटी है। अ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट अराइजेस आउट ऑफ और इज बेस्ड अपॉन द डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। तो ये कौन से प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है? अनजस्ट एनरिचमेंट के ऊपर ये काम करता है, विच मीन्स दैट अ पर्सन इज नॉट अलाउड टू एनरिच और बेनिफिट हिमसेल्फ एट द एक्सपेंस और कॉस्ट ऑफ द अदर। मतलब एक बंदे का तो नुकसान हो रहा है, दूसरे का क्या हो रहा है फायदा हो रहा है, ऐसा हम होने देंगे? सो ड्यूटी एंड नॉट अ प्रॉमिस और एग्रीमेंट, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इज द बेसिस ऑफ सच क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। सो ड्यूटी ड्यूटी एंड नॉट अ प्रॉमिस। तो इस क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का मेन रीजन क्या है? ड्यूटी। यहाँ पर कोई ऑफर नहीं है, कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, कोई प्रॉमिस नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है। यहाँ पर कौन सा वर्ड आता है सर? इट इज द ड्यूटी। इट इज द ड्यूटी ऑफ द माइनर टू पे टू द सप्लायर
फॉर द नेसेसिटीज सप्लाई, इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अ ड्यूटी ऑफ द माइनर. एज सच अ केस फॉर डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी फाइल्ड इवन इन केस ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स. तो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स के भी अंदर आप क्या कर सकते हो सर, डैमेजेस का केस फाइल कर सकते हो फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, किसी ने कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो नहीं करा, इन द सेम वे एज इन द केस ऑफ नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट. जैसे आप नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर लीगल प्रोसीडिंग्स चलाते हो, वैसे क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स में भी लीगल प्रोसीडिंग्स चल सकती है. जैसे अ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशन अराइज इन द फॉलोइंग केसेस, पहला क्या है, सप्लाई ऑफ नेसेसिटीज टू एन इनकॉम्पिटेंट पर्सन. तो इनकॉम्पिटेंट पर्सन हमने पढ़े थे, बहुत सारे थे, एक तो उसमें से माइनर भी था और एक इनकॉम्पिटेंट पर्सन वो भी है जो सर कामकाज नहीं कर सकता, फिजिकली हैंडीकैप्ड है सर बहुत ज्यादा, उसके लिए कोई गार्जियन अपॉइंट कर रखा है कोर्ट ने. अब उस बंदे की जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को सेल करके उसको नेसेसिटीज सप्लाई होगी. एज पर सेक्शन 68 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इफ अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ एंटरिंग इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट और एनी वन हु इज लीगली बाउंड टू सपोर्ट इज सप्लाइड बाई अनदर पर्सन विद नेसेसिटी सूटेड टू हिज कंडीशन इज लाइफ. तो उसको कोई ऐसी आपने चीजें सप्लाई करी है जो कि नेसेसरी है उसकी लाइफ के लिए, द पर्सन हु हैज फर्निस्ड सच सप्लाइज इज एंटाइटल्ड टू बी रीइंबर्स फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ सच इनकैपेबल पर्सन. तो उस बंदे को पैसे मिलेंगे किसकी प्रॉपर्टी से, उस इनकैपेबल बंदे की प्रॉपर्टी से पैसे देने पड़ेंगे. पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन एज पर सेक्शन 69, अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन पेमेंट ऑफ मनी which another is bound by law to pay and who therefore pays it is entitled to be reimbursed by the other. जैसे मान लो कि हम एक example लेते हैं, A has to pay some taxes to the government. A को tax pay करना था मान लो government का in respect of his property, जैसे house tax होता है ना, तो A को मान लो house tax pay करना था, किसको, government को. B जो था वो A का क्या था, tenant था, किराएदार. If government seizes his property, अगर गवर्नमेंट ने जब्त कर ली किसकी प्रॉपर्टी, ए की प्रॉपर्टी जब्त कर ली, बी टेनेंसी विल आल्सो कम टू एन एंड, बी का जो कॉन्ट्रैक्ट था उसमें रहने का वो भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. सो टू प्रोटेक्ट हिज टेनेंसी बी मेक्स पेमेंट ऑफ टैक्सेस. अपने राइट को बचाने के लिए, अपनी उसको रहने को बचाने के लिए बी ने क्या करा, टैक्स की पेमेंट करी. बी कैन रिकवर द पेड अमाउंट फ्रॉम ए, बी किससे पैसे ले लेगा बाद में, ए से पैसे ले लेगा. तो पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पार्टी, देख भाई सीधी सी बात है, मान ली आपकी प्रॉपर्टी थी, आपकी प्रॉपर्टी में मैं रेंट पे रहता था, आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना था, आपने टैक्स पे नहीं करा, तो सरकार आपकी प्रॉपर्टी को जब्त करने के लिए आ गई, वो कह रहे प्रॉपर्टी में ताले लगा दो, जोबनबाजी ने टैक्सेस पे नहीं कर रखे, तो मैं उसमें रहता हूँ, मेरे घर में ताले लग जाते क्योंकि तू, आप तो रहते नहीं हो सर, मैं रहता हूँ, तो आपके बिहाफ पर मैंने क्या कर दिया, पेमेंट कर दी, क्योंकि मुझे ये लगा मेरे को घर खाली करना पड़ेगा. तो मैं कौन था इस कॉन्ट्रैक्ट में, इंटरेस्टेड पार्टी, आई वॉज इंटरेस्टेड टू पे दैट टैक्स, बिकॉज अगर मैं टैक्स नहीं पे करूंगा तो सरकार क्या करेगी सर, घर में ताले लगा देगी सर, तो मैंने अभी पे कर दिया आपके बिहाफ पर, लेकिन बाद में मैं आपसे ले लूंगा. समझ गए मेरी बात, नहीं समझे. परफॉर्मेंस ऑफ नॉन ग्रेशियस एक्ट, इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ अ फायर ब्रेक्स आउट इन इस फैक्ट्री, एक फायर लग गई, द फायर ब्रिगेड रीचेस ऑन द स्पॉट एंड एक्सटिंग्विशेस द फायर, वो फायर को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं. ए इज नॉट बाउंड टू पे द फायरमैन बिकॉज द एक्ट ऑफ फायरमैन वॉज नॉट डन विद द इंटेंशन टू बी पेड, उसने काम क्यों करा था, पैसे लेने के लिए करा था, नहीं सर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको ये करना पड़ेगा सर, हमको थोड़ी ना पैसे देने पड़ेंगे, हमको सिर्फ इन्फॉर्म करना होता है कि भाई ऐसे ऐसे आग लग गई, आप आ जाओ यहाँ पर हमारी हेल्प कर दो. तो परफॉर्मेंस ऑफ नॉन ग्रेशियस एक्ट वेयर अ पर्सन लॉफुली does anything. तो मतलब it was the duty of that particular person कि वो fire को क्या करे, बुझा दे, मैं पैसे नहीं दूंगा. जैसे पुलिस वाले ने चोर को पकड़ा तो क्या वो मेरे से पैसे लेगा, नहीं सर. तो where a person lawfully does something for another person or delivers anything to him not intending to do so graciously and such other person enjoys the benefit thereof, the latter is bound to make compensation to the former in respect of or to restore the things so done or delivered. ठीक है, तो द लेटर इज बाउंड टू मेक कंपनसेशन टू द फोरमैन इन रिस्पेक्ट ऑफ और टू रिस्टोर द थिंग्स सो डन और डिलीवर्ड. फॉर एग्जांपल इफ अ फायर ब्रेक्स आउट इन रेस फैक्ट्री, फायर ब्रिगेड रीचेस ऑन द स्पॉट एंड फायर इज नॉट बाउंड टू पे द फायरमैन बिकॉज द एक्ट ऑफ फायरमैन वॉज डन विद द इंटेंशन वॉज नॉट डन विद द इंटेंशन टू बी पेड. उसको पैसे नहीं चाहिए, उसको पैसे तो हर महीने की सैलरी कौन दे देती है, गवर्नमेंट दे देती है. बिकमिंग फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, the Indian Contract Act, a person who finds good belonging to another and takes them into his custody is subject to the same responsibility as a baili. uski same kaisi responsibilities ho jati hai sir, baili ki jaisi responsibilities ho jati hai.
ठीक है, ये भी एक क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। मतलब मैंने थोड़ी ना किसी को बोल रखा है कि मेरा सामान अगर आपको मिल जाए तो आपको लौटाना पड़ेगा, उसको कोई सामान मिला, अब सामान मिलते के साथ ही उसकी क्या आ गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई सामान वापस। क्या मैंने उसको कुछ ऑफर करा था? नहीं सर। क्या उसने कोई एक्सेप्टेंस करी थी? नहीं। लेकिन जैसे ही आपने कोई लॉस्ट एंड फाउंड का सामान देखा तो आप सबसे पहले क्या करते हो, उसको लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट में क्या करवा देते हो, डिपॉजिट करवा देते हो। ठीक है, पेमेंट ऑफ मनी बाय मिस्टेक, पेमेंट ऑफ मनी बाय मिस्टेक। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान ले डी एंड ई ज्वाइंटली ओ 3000 टू सी। डी और ई को, दोनों को कितने पैसे देने थे? सी को 3000 रुपए देने थे। दोनों को मिला के कितने पैसे देने थे? 3000 रुपए। डी पेज द टोटल अमाउंट टू सी, लेकिन डी ने सारे के सारे पैसे दे दिए। डी और ई को देने थे पैसे सी को, लेकिन सारे पैसे किसने दे दिए? डी ने दे दिए। ई अनअवेयर ऑफ दिस ऑल्सो मेक्स अ पेमेंट ऑफ 3000 टू सी। ई को पता नहीं था कि डी पैसे दे चुका है। ई ने दोबारा से सी को कितने पैसे दे दिए? 3000। थस सी गेट्स मनी फ्रॉम ई ऑल्सो बाई मिस्टेक। तो गलती से उसको क्या मिल गया? सी को पैसे मिल गए, 3000 लेने थे 6000 मिल गए। ही इज बाउंड टू रिटर्न द एक्स्ट्रा 3000। अब ना कोई ऑफर है ना कोई एक्सेप्टेंस है, लेकिन फिर भी उसको क्या करने पड़ेंगे, उसकी जिम्मेदारी है कि उसको वो 3000 रुपए क्या करने पड़ेंगे, वापस करने पड़ेंगे। तो एज पर सेक्शन 72 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अ पर्सन टू हुम मनी हैज बीन पेड और एनीथिंग डिलीवर्ड बाय मिस्टेक। तो मान ले तेरे घर पे अमेजोन पे कोई सामान आ गया, कोई तेरे को iPhone 15 मजे मजे में गिफ्ट कर गया, अमेजोन वाला बंदा आया, तूने मंगवाया था नहाने का साबुन 60 रुपीज का, लेकिन गलती से वो तेरे को क्या डिलीवर करके चला गया, आईफोन। तो तेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तू अमेजोन को फोन करके क्या बोलेगा, तर गलती से मैंने सोप मंगवाया था, मेरे घर पे क्या आ गया, आईफोन। बाकियों के घर पे क्या होता है, मान ले आईफोन मंगवाया लेकिन क्या पहुंच गया, सोप पहुंच गया। तो जिस बंदे ने आईफोन मंगवाया होगा उसको क्या मिला, आपका साबुन। और जिस बंदे ने साबुन मंगवाया था उसको, मतलब आपने साबुन मंगवाया था, आपको क्या मिल गया, उसका आईफोन। दोनों स्क्वायर कलर के बॉक्स में थे ना, तो उसने गलती से आपको आईफोन दे दिया। और अंडर कॉर्सियन और मस्ट रीपे टू इट। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब क्या आ गई, ये नाउ यू हैव टू इन्फॉर्म। तो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है एक तरीके से आपके क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट इन द लीगल सेंस ऑफ द टर्म। ये आप अभी पढ़ के देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर टू पढ़ के देखो जल्दी से। चलो, वी आर स्टार्टिंग विद द न्यू चैप्टर। चैप्टर का नाम है चैप्टर डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। सर क्या मतलब होता है डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट को? मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करके देना, उसकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस थी उसको फुलफिल करके देना, उसको क्या बोलते हैं सर, डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करके देना, जो भी आपकी ऑब्लिगेशंस है रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो पूरी करके देना। व्हाट आर द रिक्वेजिट्स ऑफ अ वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। सर कब हम मानेंगे कि आपने अपनी परफॉर्मेंस को क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। ठीक है, कौन कौन से रिक्वेजिट्स, मतलब कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स है कि मैं बोलूँ कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो क्या है, वैलिड है। सर आपने जो काम करके जो दिया वो वैलिड करके दिया, तो उसके क्या रिक्वेजिट्स है, क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले हम समझेंगे सर टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है। अंडर द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, अंडर द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, द परफॉर्मेंस बाय ईच पार्टी ऑफ इट्स ऑब्लिगेशन इज द वन वे ऑफ डिस्चार्जिंग द कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दोनों पार्टीज की कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कुछ काम करने की। जब आप उस ऑब्लिगेशन को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कर देते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्चार्जिंग द कॉन्ट्रैक्ट और ब्रिंगिंग द कॉन्ट्रैक्ट टू एन एंड। भैया मैंने आपसे कोई चीज प्रॉमिस करी थी, जैसे ही मैंने वो प्रॉमिस कंप्लीट कर दिया, हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया सर, खत्म हो गया सर। इन दिस रिगार्ड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेज द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट ईदर परफॉर्म। जो पार्टीज है इस दोनों कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो या तो परफॉर्म करेगी और ऑफर टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव प्रॉमिसेस। सो एवरी प्रॉमिसर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट हैव ईदर टू परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म व्हाट ही हैज प्रॉमिस्ड टू द प्रॉमिस। तो प्रॉमिसर ने जो प्रॉमिस करा था प्रॉमिसी को वो करके देना पड़ेगा। सच ऑफर टू परफॉर्म इज कॉल्ड द टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। जो उसको क्या बोलता है कि मैं ऑफर कर रहा हूं कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको ये सारी चीजें करके दूंगा। द प्रोमिसी हैज नाउ टू एक्सेप्ट हिज परफॉर्मेंस और टेंडर टू द परफॉर्म। प्रोमिसी को अब क्या करना है, उसकी मर्जी है, वो चाहे एक्सेप्ट करेगा उसको। इफ द प्रोमिसी डज नॉट एक्सेप्ट द टेंडर देन द प्रोमिसर इज रिलीव्ड ऑफ हिज ऑब्लिगेशन। तो अब भैया उसको कुछ, अगर सामने वाले ने एक्सेप्ट ही नहीं करा तो अब क्या मुझे कुछ करके देना है, सर मुझे कुछ करके नहीं देना, तो आई एम रिलीव्ड, अब मुझे नहीं करना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड इज नॉट लायबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस। अब ये नहीं है कि सामने वाला बंदा मेरे को जेल भेज देगा क्योंकि मैंने काम नहीं करा। अबे भाई उसने तो मना कर दिया था कि काम मत कर। नाउ नॉट ओनली दिस, इफ दिस इज डन द प्रोमिसर इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ हिज राइट्स। नॉट ओनली दिस, इफ दिस इज डन द प्रोमिसर इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ इट्स राइट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब
नॉट ओनली दिस, इफ दिस इज डन, अगर ऐसा हो जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है, तो प्रोमिसर के पास अपने खुद की क्या हो जाएंगी, राइट्स हो जाएंगी, उसको कुछ राइट्स मिलेगा. देयरफॉर इन अदर वर्ड्स, टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस इज रिगार्डेड एज इक्वल्स टू परफॉर्मेंस इटसेल्फ. टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है कि भैया आपको काम करके देना पड़ेगा. एसेंशियल्स क्या है वैलिड टेंडर के? सर, एवरी टेंडर मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशंस, इट मस्ट बी अनकंडीशनल. सर, आप जो काम करके दोगे ना, वो कैसा होना चाहिए? सर, अनकंडीशनल, विदाउट एनी इफ, विदाउट एनी बट. अगर आप ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूंगा, नहीं सर, ये तो कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, तो यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए. सर, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट करके दूंगा, उसके लिए आप मेरे को इतने पैसे दे देना, ये क्या हो गया सर, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट. इट मस्ट बी मेड एट अ प्रॉपर टाइम एंड प्लेस. इट मस्ट बी फॉर द होल क्वांटिटी. इट मस्ट बी अंडर सच सर्कमस्टेंसेस दैट द प्रोमिसी गेट्स अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ असर्टेनिंग दैट द प्रोमिसर इज एबल एंड विलिंग देन एंड देयर टू डू द होल और व्हाट ही इज बाउंड टू डू. ऐसी सर्कमस्टेंसेस में आपको काम करना है दैट द प्रोमिसर गेट्स अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ असर्टेनिंग. मतलब प्रोमिसी को दिख जाए कि प्रोमिसी इज एबल एंड विलिंग, कि प्रोमिसी सामने वाला उस काम को कर सकता है. ठीक है, अब जैसे मान लो कोई 11th क्लास का बच्चा जो कि अभी जस्ट 11th पास आउट हुआ है, और वो बोलने लग जाए मैं आपको 12th क्लास के अकाउंट्स पढ़ा दूंगा, क्या वो ऐसा कर सकता है? अभी सिर्फ 11th से निकला है, क्या वो 12th की अकाउंट्स पढ़ा देगा? सर, नहीं कर सकता, तो वो एबल नहीं है. हम यहाँ पर बात करते हैं कि प्रोमिसर इज एबल एंड विलिंग, करना चाहता है, एंड दे आर टू डू द होल ऑफ वट इज बाउंड टू डू. उसी के उसी वक्त वो सारा का सारा काम करके दे देगा जो कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी. इफ द टेंडर रिलेट्स टू डिलीवरी ऑफ गुड्स, प्रोमिसी मस्ट हैव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ सी दैट द थिंग ऑफर्ड इज द थिंग विच द प्रोमिसर इज बाउंड. मतलब अगर आपने मेरे को कोई प्रोमिस करा है कि आप कोई सामान डिलीवर करोगे, तो मुझे वही सामान मिलना चाहिए जो कि मैं पसंद करके आया था, ये नहीं आप सामान कुछ और भेज रहे हो. इन केस ऑफ अ ज्वाइंट प्रोमिस सी, एन ऑफर ऑफ वन ऑफ द सेवरल ज्वाइंट प्रोमिसी हैज द सेम लीगल कॉन्सिक्वेंसेज एज द ऑफर टू ऑल ऑफ देम, इट इज अ वैलिड टेंडर. अब जैसे मान ले प्रोमिसी दो हैं, मतलब एक बंदे ने ऑफर करा और वहां पे दो बच्चे, मैंने ऑफर करा कि मैं आप लोगों को अकाउंट्स पढ़ाऊंगा, अब यहाँ पे बच्चे आ गए बहुत सारे पढ़ने के लिए, तो प्रोमिसी तो क्या हो गए, बहुत सारे हो गए. हर एक प्रोमिसी के इक्वल राइट्स, सेम लीगल कॉन्सिक्वेंसेज, हर एक प्रोमिसी की क्या है सर, इक्वल राइट्स. द टेंडर मस्ट बी मेड टू अ प्रॉपर पर्सन. मतलब आप जो टेंडर जो करोगे ना, सामने वाले को जो ऑफर, जो प्रॉपर पर्सन को करना. अब थोड़ी ना मैं साइंस वाले बच्चों को बोल दूंगा आओ तुमको अकाउंट्स पढ़ाता. विच मे मीन द प्रोमिसी और हिज एजेंट टेंडर टू एनी अदर पर्सन वुड बी इनवैलिड. तो आप टेंडर किसको कर रहे हो? प्रोमिसी को. भैया जिसको आपने प्रोमिस करा था पढ़ाने का, उसी को पढ़ा रहे हो, ये नहीं है किसी और को पढ़ा रहे हो. तो आपका कोई प्रोमिस ही हो सकता है, या फिर आपका कोई क्या है, एजेंट, जिसके लिए आपको काम करना है. इट मस्ट बी फॉर द इंटायर ऑब्लिगेशन, पूरा काम करके देना पड़ेगा, जो कि लिखा हुआ है किसके अंदर, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर. फॉर एग्जाम्पल, ऑफरिंग टू डिलीवर ओनली अ पार्ट ऑफ द क्वान्टिटी और पे ओनली अ पार्ट ऑफ अमाउंट वुड बी इनवैलिड. कि मैं कुछ ही काम करके दूंगा और कुछ ही पैसे लूंगा, तो ये क्या है सर, काम पूरा करके दूंगा पूरे पैसे लूंगा, ये क्या हो जाएगा सर, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. वेयर अ टेंडर इन्वॉल्व पेमेंट ऑफ मनी, द डेटर इज रिक्वायर्ड टू टेंडर एन एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मनी इन लीगल टेंडर मनी. तो अगर मैंने आपको क्या करा है सर, वेयर अ टेंडर इन्वॉल्व पेमेंट ऑफ मनी, डेटर कौन होता है, वो बंदा जो कि आपको पैसे देगा, उसको पूरे के पूरे पैसे देने पड़ेंगे, जो कि किसके अंदर लिखे हुए सर, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर. तो ये सारे एसेंशियल्स है ऑफ अ वैलिड टेंडर. ठीक है, सारे वैलिड टेंडर के ये सारे क्या गिवन है आपको, वेरियस एसेंशियल्स गिवन है सर. चलो पढ़ के देख लो इसको एक बार फटाफट. इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, कोई ऐसी चीज थी जो कि क्या था सर, इट वॉज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म. कुछ ऐसी चीज थी विच वॉज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म एज अ रूल, नॉट एन एक्सक्यूज फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. जब मैं मान लो आपने मेरे को एक चीज बोला कि सर आपको एक काम करना है, आपने मेरे को बोला सर आपको मेरे को बीकॉम लेवल की मैथ्स पढ़ानी है, सर वो मेरे लिए क्या था, इम्पॉसिबल था, मैं नहीं पढ़ा सकता, तो मैंने उसको क्या कर दिया, मना कर दिया. तो आप मेरे को क्या बोलने लग गए कि आप तो करना नहीं चाहते, आप तो कॉन्ट्रैक्ट में आना नहीं चाहते. नहीं भाई, वो मेरे लिए क्या है, इम्पॉसिबल है, मैं कोई एक्सक्यूज नहीं दे रहा, इट इज नॉट एन एक्सक्यूज फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. कभी कभार बच्चा बोलता है सर आप मेरे को बीकॉम के अकाउंट्स पढ़ा दो, कभी कभार मेरे पास टाइम नहीं होता, कोई बैचेस चल रहे होते हैं, तो मैं उसको मना कर देता हूँ, इट इज इम्पॉसिबल, आई डोंट हैव टाइम टू टीच. ठीक है, तो ये दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज, ये एक्सक्यूज दे. इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस इज अ रूल, ये क्या है, रूल है सर, नॉट एन एक्सक्यूज, इट इज अ रूल सर, मैं नहीं कर पाऊंगा सर. फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस इन एक्सक्यूज वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज बाय सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी. सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी क्या होता है, अभी आगे पढ़ेंगे.
अ कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज बाय सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी इन द फॉलोइंग केसेस। सबसे पहले डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, इसके अंदर क्या था, मान लो एक म्यूजिक हॉल था, अ म्यूजिक हॉल विच वॉज लेट फॉर अ सीरीज ऑफ कंसर्ट ऑन सर्टेन डेज। मेरे पास एक म्यूजिक हॉल था, मैंने वो रेंट पे दे रखा था कुछ दिनों के लिए, उसके अंदर कोई म्यूजिक के शोज होने थे, वॉज बर्न डाउन बिफोर द डेट ऑफ फर्स्ट कंसर्ट। जिस दिन पहला उसके अंदर जो कंसर्ट जो होना था उससे पहले उसमें क्या लगी, सर आग लगी, द कॉन्ट्रैक्ट वॉज हेल्ड टू बी वॉइड। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया सर, वॉइड हो गया, पहले वो क्या था, वैलिड था, अब हो नहीं सकता सर उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि सामने वाली चीज क्या होगी सर, डिस्ट्रॉय हो गई, तो अब वो क्या बन गया, वॉइड। तो वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर विच इज लेटर डिस्ट्रॉयड, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि मैं आपको करूंगा, लेकिन अब सामान ही क्या हो गया डिस्ट्रॉय, विदाउट द फॉल्ट ऑफ द पार्टीज द कॉन्ट्रैक्ट इज सेट टू बी डिस्चार्ज। तो क्या मान लिया जाएगा भैया, आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इन कॉन्ट्रैक्ट इन विच द परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन द कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ अ गिवन पर्सन और थिंग्स, अ कंडीशन इज इंप्लाइड दैट इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस अराइजिंग फ्रॉम पेरिशिंग ऑफ अ पर्सन और थिंग शेल एक्सक्यूज द परफॉर्मेंस। अब क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, वैसे तो इतना ही पढ़ लोगे तो बहुत है, द कॉन्ट्रैक्ट शेल हैव टू बी वॉइड। इन कॉन्ट्रैक्ट इन विच द परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन द कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ अ गिवन पर्सन, अ कॉन्ट्रैक्ट इन कॉन्ट्रैक्ट इन विच द परफॉर्मेंस डिपेंड, जो परफॉर्मेंस है ना वो डिपेंड करती है ऑन द कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ अ गिवन पर्सन और अ थिंग, अ कंडीशन इज इंप्लाइड दैट इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस अराइजिंग फ्रॉम द पेरिशिंग ऑफ अ पर्सन। मान लो मेरे यहाँ पर क्या था, कॉन्ट्रैक्ट था कि पूरे साल में बच्चों को क्या पढ़ाऊंगा, अकाउंट्स पढ़ाता मैं ही पढ़ाऊंगा, 6 महीने के बाद मैं अचानक से एक नया टीचर ले आता और क्या बोलता हूँ बच्चों के, आज से ये क्या पढ़ाएंगे, ये वाले सर पढ़ाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट मतलब आपकी अकाउंट्स चलेगी लेकिन दूसरे वाले सर पढ़ाएंगे, अराइजिंग फ्रॉम पेरिशिंग ऑफ अ पर्सन, दूसरा पर्सन चला जाएगा और थिंग्स शेल एक्सक्यूज द परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर क्या है सर, मैं कोई काम से पीछे नहीं हट रहा, लेकिन अभी मान लो मैं नहीं पढ़ा सकता तब ठीक नहीं है, दूसरे टीचर पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं काम करने से मना कर रहा हूँ या मैं कोई एक्सक्यूज दे रहा हूँ। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ अ सेट ऑफ थिंग्स नेसेसरी फॉर परफॉर्मेंस, मान लो कोई एक चीज की जरूरत थी वो चीज नहीं है, एक्स एंड वाई कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी ईच अदर बिफोर द टाइम फिक्स फॉर द मैरिज, एक्स गोज मैड, एक्स क्या हो गया, पागल हो गया, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। मतलब कुछ ऐसी चीज जो कि उस काम को करने के लिए बहुत जरूरी थी, भैया दो लोग अगर शादी कर रहे हैं तो एक बंदे मतलब दोनों का क्या होना चाहिए सर, ठीक होने चाहिए ना दिमाग से, अब वो क्या हो गया, नॉन एग्जिस्टेंस। व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ अ सर्टेन स्टेट ऑफ थिंग, पहले जब कॉन्ट्रैक्ट जब करा था तो सारी चीजें ठीक थी, द कॉन्ट्रैक्ट इज सेट टू बी डिस्चार्ज, कॉन्ट्रैक्ट क्या मान लिया जाएगा, खत्म, इफ द स्टेट ऑफ थिंग्स चेंजेस और सीजेस टू एग्जिस्ट, अगर चीजें क्या होगी चेंज होगी, मान लो एक लड़का लड़की की शादी होनी थी, लड़के की बहुत अच्छी जॉब थी, अब जॉब चली गई, लड़की वालों ने मना कर दिया, अब हम शादी नहीं करेंगे क्योंकि लड़का कुछ कमाता नहीं है, ठीक है सर, कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाएगा कि क्या हो गया सर, खत्म हो गया सर। कॉन्ट्रैक्ट क्या मान लिया जाएगा, ये नहीं कि सामने वाले को तुम जेल लेकर जा रहे हो करके जा रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट क्या मान लिया जाएगा, खत्म हो गया सर। डेट और पर्सनल इनकैपेसिटी, वेयर द पर्सनल क्वालिफिकेशन ऑफ अ पार्टी इज द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज बाय डेथ और डिसेबलमेंट ऑफ द पार्टी। अब भैया मान लो आपने एक लॉयर हायर करा था जो कि आपके लिए केस लड़ रहा था, अब उस लॉयर की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, अब वो कॉन्ट्रैक्ट क्या मान लिया जाएगा कि वो क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। एक्स कॉन्ट्रैक्ट टू एक्ट अ थिएटर फॉर 6 मंथ्स इन कंसिडरेशन ऑफ सम पेड इन एडवांस बाय वाई, तो एक्स ने क्या बोला, वाई ने कॉन्ट्रैक्ट करा एक्स के साथ कि भाई तू थिएटर के अंदर क्या करेगा, एक्टिंग करेगा, 6 महीने के मैं तेरे को क्या देता हूँ, पैसे एडवांस में देता हूँ। एक्स इज टू इल टू एक्ट, एक्स की अब इतनी तबीयत खराब है कि मैं एक्ट नहीं कर सकता, कॉन्ट्रैक्ट ऑन दोज ओकेशन बिकम्स, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा सर, वॉइड हो जाएगा, ठीक है सर। आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, आज इसको यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं, नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर हम इस वाले टॉपिक को खत्म करेंगे और नए वाले टॉपिक को क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे, ठीक है।